की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म के, हिंदी फिल्म का मुहूर्त आया? आज हमारे मित्र जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और ये हिंदी फिल्म है और इसका आज मुहूर्त है और नए साल पे नई बात, नई फिल्म, तो नया ही चीज़ होना चाहिए। और क्या चल रही है लाइफ में आपकी आजकल, बताइए? लाइफ तो चल ही रही है प्रभु, अभी नया साल है, यही सब पिकनिक। अभी मेरी फिल्म आ रही है, राधे आ रही है और आवारा बालमा आ रही है। क्या किरदार है बताएंगे? उसमें मेरा विलन का ही किरदार है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विलन का ही काम। देश के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देश के लिए जो है एक्चुअली ऐसा है कि हमारे सभी भाइयों को मैं ये कहूँगा कि इत्मीनान से जो है नए साल एंजॉय करिए, नशा मत करिए और भाईचारे के साथ सभी लोग एकत्रित होके और कहीं ऐसा शोर शराबा वाली चीज़ ना करें और इंजॉय करें। कमर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। करीबी ब्रज भूषण जी के फिल्म का मुहूर्त कुछ कहेंगे? अरे भाई, मैं शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी पिक्चर बने और खुशी की बात है कि वो नया काम ये कर रहे हैं, ये उर्दू फिल्म बना रहे हैं। ये मुस्लिम बैकग्राउंड पे फिल्में बहुत साल से नहीं बन रही है और वो बना रहे हैं, ये प्योर उर्दू की पिक्चर है बेपरवा। इसके लिए मैं ज़्यादा मतलब उनको बधाई देता हूँ। जी, आज हम ये कहना चाहते हैं कि नया दिन है, नई शुरुआत की जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और हमारे इसमें जो बेपरवाह जी है, ये बेपरवाह फिल्म इतनी अच्छा सब्जेक्ट है। और क्या है कि हमारे डायरेक्टर कौन है? ब्रज भूषण जी। जी, और आर्टिस्ट में कौन कौन? आर्टिस्ट में जैसे हमारे अकरम भट्ट जी हैं और अंशु द्विवेदी, तिरसा खान और ये हारून पठान करके हैं, और ये हमारे के गोस्वामी जी रहेंगे और जो भी हैं। आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? जी, मैं प्रोड्यूस हैं, प्रोड्यूस कर रहा हूँ सर। पहली फिल्म है? जी, पहली फिल्म। क्या सोच के फिल्म बना रहे हैं, बताएंगे? जी, फिल्म सोच के बना रहे हैं कि कुछ किया जाए, अच्छा किया जाए, जो भी हो अच्छा हो। ये हिंदी सिनेमा है जी, आपका क्या सपना है कि कितना बड़ा स्तर पर फिल्म बना रहे हैं? अब जी हिंदी है, अब ये हमारा तो जो भी है देखेंगे क्या है वो, लेकिन जो भी है बढ़िया किया जाएगा। ब्रज भूषण जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ब्रज भूषण जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और उनके बारे में अब क्या हम बड़ाई करें, जो भी है बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। कब से शूटिंग होगी, कहाँ कर रहे हैं? ये 1 फरवरी से मुंबई में ही करेंगे, 1 फरवरी से। आज क्या हो रहा है, कौन सिंगर गाना गा रहा है? आज ये अमिया दाते हैं और पमेला जैन जी हैं और हमारे बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। इस फिल्म का नाम है बेपरवाह। जी, बेपरवाह। प्रोड्यूसर कहीं बेपरवाह तो नहीं है? नहीं, प्रोड्यूसर नहीं बेपरवाह है, इसमें आर्टिस्ट जो कलाकार है वो बेपरवाह है। कलाकार के ऊपर है बेपरवाह है, वो कोई चीज़ अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहा है, इसलिए हम उसको दिखा रहे हैं बेपरवाह। थैंक यू। ये अकरम भट्ट हैं, अंशु द्विवेदी जी हैं और तिरसा खान जी हैं, डायरेक्टर भी उसके साथ हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने कई फिल्में की है, भोजपुरी भी की है, हिंदी भी की है, वो बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं। इसकी हमें बहुत पसंद आई, इसकी वजह से हम बनाने फिल्म के बारे में 15 जनवरी के बाद ही शूट करने के लिए मुंबई में शूट किया जाएगा। हाँ जी, सलो, मैं अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ अमेद आते, मैं सिंगर हूँ और ये जो फिल्म है बेपरवाह, इसका आज मुहूर्त है, इसके लिए मैं गाना गा रहा हूँ
और ये पहला गाना है जो मुहूर्त में अभी हमने बस रिकॉर्ड किया है, तो आप सब इसका लुत्फ उठा सकते हो। बहुत ही प्यारा गाना है, सिकंदर जी जो कंपोज़र हैं उन्होंने कंपोज़ किया है, तो ये गाना एक रोमांटिक है और आप बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये गाना ऐसा है कि मुंह पे बैठ जाएगा। अच्छा, कुछ सुनाएंगे इस गाने के बोल कुछ? न जाने दुआ किसकी लगी जो मिली मुझको, जो ख्वाबों में भी मैंने सोचा नहीं था। मूवी बहुत अच्छी है एंड इसके जो सॉन्ग के लिरिक्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, आपके ना जबान पे चढ़ जाएगी वो। और जब ये सॉन्ग स्पेशली रिलीज होगी तब आप सब लोग बोलोगे कि इसको पिक्चराइज भी बहुत अच्छा किया गया है, एंड प्लस की ये मूवी इसकी स्टोरी बहुत प्यारी है और मेरा कैरेक्टर बहुत प्यारा है, डबल कैरेक्टर करने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करने हैं, जिसमें स्विच ऑन ऑन स्विच ऑफ जिसमें होता है वो बहुत प्यारा कैरेक्टर है। एंड बाकी जो मेरे को स्टार्स है जो एक्टर्स हैं उनके साथ काम करने को मिलेगा पहली बार ही, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इनसे तो अभी से मैंने बात करी है और ये बहुत अच्छे हैं, बातों में भी बहुत अच्छे हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम काम करूँगी, एंड एक्साइटेड हूँ इनके साथ काम करने के लिए, सबके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सर आपसे जानना चाहूँगी पहले अपने बारे में, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को नए साल की बधाई देना चाहता हूँ। आए हुए सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर मेरी इस मूवी की मुहूर्त में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। और ये मूवी एक मुस्लिम सब्जेक्ट के ऊपर इस फिल्म बन रही है और इसमें मैं लीड रोल कर रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे ब्रज जी के जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और अल्लाह का ये एहसान है, देर से सही दुरुस्त मेरा काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमारी टीम जो है मिलकर मेहनत करेगी और एक अच्छा सब्जेक्ट एक अच्छी सोच लेके हम लोग निकले हैं इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग दुआ करिए हम लोग कामयाब हो जाए। बस ब्रज भूषण जी आपसे जानना चाहूँगी फिल्म के बारे में, सबसे पहले बताइए हमें कुछ। देखिए फिल्म बेपरवाह ये टोटल मुस्लिम फैमिली ड्रामा है और बहुत दिनों से मुझे लगता है कि बी आर चोपड़ा साहब ने जो फिल्म बनाई थी निकाह, उसके बाद से उस तरह की कोई फिल्म नहीं आई। लोगों ने काफ़ी ग्लैमर भर दिया, इवन अंग प्रदर्शन वगैरह काफ़ी होने लगे, इवन हिंदी हो या भोजपुरी हो किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में भी वही हाल हो गया है। और बहुत सारे इंसिडेंट पे फिल्में बनने लगी, घटनाओं पे फिल्में बनने लगी, कहानी गायब होने लगी। तो कहानी जो बी आर चोपड़ा साहब हमेशा, आज बी आर चोपड़ा का इतना नाम सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने हमेशा अच्छी कहानी ले कर फिल्म बनाई है और मैं काफ़ी उनसे प्रभावित रहा शुरू से, सानिध्य तो नहीं मिला लेकिन काफ़ी ये रहा। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुस्लिम फैमिली ड्रामा है और जैसे उस फिल्म में क्या था कि तलाक होती है और तलाक के बाद वो फिर वापस होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जो प्रोसीजर था, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, लेकिन इवन बहुत सारे हिंदू लोग और इवन कई लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी होता है और वो लोगों के लिए एक आश्चर्य बना। तो उसी तरह से इस सब्जेक्ट में भी एक ऐसी खास बात है जो मुस्लिम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन आम लोग नहीं जानते हैं। तो सब्जेक्ट बड़ा पावरफुल है और मेरे सब्जेक्ट चूँकि अच्छे है इसलिए मैंने इसमें इस बात का परवाह नहीं किया, बेपरवाह रहा कि मैं किसी स्टार को लूँ। तो हमारे अपने ही स्टार हैं जैसे अकरम भाई हैं, ये अंशु द्विवेदी हैं, इसमें मेन फीमेल में त्रिशा खान जी हैं और ये अपने दूसरे जो हैं हारून भाई हैं और कई इमरान जी वगैरह, वैसे कई नई नई प्रतिभाओं को लेके जो मेरा शुरू से रहा है, आज करीब 40-42 वर्षों से मैं नई प्रतिभाओं को लेके ही बनाता रहा हूँ और हमेशा जीतता आ रहा हूँ। तो दुआ है आप लोगों की रहनी चाहिए कि ताकि मैं फिर इस बार कामयाब रहूं और मुझे उम्मीद है आप सबों का प्यार जैसे मिलता रहा है मिलेगा। फिल्म कब तक
फ्लोर पे जाएगी, कहाँ कहाँ शूटिंग की जाएगी? फिल्म बस लगभग सारी तैयारी है, स्क्रिप्ट रेडी है, एवरीथिंग रेडी है, डायलॉग्स वगैरह के साथ काफ़ी कंप्लीट है, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी, तो अब बस शूटिंग शुरू कर देंगे। और बहुत ज़्यादा उम्मीद प्रोड्यूसर साहब ने जैसा बताया है, इसके निर्माता हैं आज़ाद भाई और आज़ाद मुख्तार खान, मतलब इसमें दो व्यक्ति हैं, एक आज़ाद भाई हैं, एक मुख्तार भाई हैं, तो ये दोनों का जुड़ के जैसे एक ही नाम लगता है आज़ाद मुख्तार खान, तो यही एकता बनी रहे। और ये फिल्म बहुत जल्दी इन लोगों की का इरादा है, और इवन हम भी चाह रहे हैं कि ईद या बकरीद पे रिलीज हो जाए, तो रिलीज हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरा नाम हारून पठान है, इस फिल्म में मेरा बेपरवाह का रोल है, सेकंड रोल में, मतलब अब यही डायरेक्टर साहब हम लोग जैसे आर्टिस्ट को लेके कर रहे हैं, उठा रहे हैं, अगर ये फिल्म सही है तो मेरा यही सबसे गुजारिश है कि जितना दर्शक को अच्छा लगे अच्छा से अच्छा लाइक करें। दिल से तो कर ही रहे हैं, अब जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। अच्छा ब्रज जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना भूल गया था, मैं अभी निकाह की बात कर रहा था। निकाह की विशेषता कहानी तो थी ही, जो अचला नागर ने लिखी थी, तोहफा नाम से छपी थी माधुरी में, और जिसको बी आर चोपड़ा साहब ने राइट लिया था। बाद में तलाक 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 नाम रखा था, लेकिन बाद में निकाह नाम हो गया। लेकिन उस फिल्म की एक बहुत बड़ी विशेषता थी संगीत, उसके सारे गाने हिट थे। और हमारी भी प्रयास है इस फिल्म में, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर श्री सिकंदर शाह जी हैं, और इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने बनाए हैं, जिसमें आज मुहूर्त पे एक गाना रिकॉर्ड हो ही रहा है, जो आमिर दाते साहब और पामेला जैन जी, इन लोगों का डुएट आज हो रहा है। और संगीत के तौर पे भी ये, मतलब एक म्यूजिकल फिल्म भी होगी ये। मैं अभी तो हम लोग तय नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम 5-6 गाने तो होंगे। और कौन से सिंगर्स होंगे जो फिल्म में? और इस फिल्म में सिंगर तो अभी बता नहीं पाएंगे, लेकिन आगे जावेद अली और आपकी शब्बीर कुमार, ये लोग होंगे। और फैसला भी नहीं कर सकते किस टाइम में कौन अवेलेबल होगा। आज जो गाना रिकॉर्ड किया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। ये गाने अभी सिंगर गुना चुके हैं, आई एम नॉट सिंगर। ये गाने पवन मिश्रा जी ने लिखा है, जो गीतकार हैं, उनकी कई फिल्में रिलीज़ हैं उनकी। और जब गाने की बात होती है तो सिंगर की, या तो हम नहीं गा सकते, फिर भी न जाने दुआ किसके जो दिल पे लगी थी ये, इन्हें सोचा नहीं था। वैसे ही है कुछ कि के गोस्वामी जी का सानिध्य इस फिल्म में रहे और ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल करें, तो बीइंग ए डायरेक्टर मैं चाह रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी चाह ही रहे हैं, बस इनकी इच्छा के ऊपर है, तो ये करेंगे ही। थैंक यू। ठीक है सर, क्या करेंगे कि नहीं? हम पिक्चर ज़रूर करेंगे। एक्चुअल जब मैं मुंबई के लिए रवाना हुआ था मुजफ्फरपुर से, तब ब्रजभूषण जी का नाम बहुत सुना था उन दिनों। मैं जब बच्चा था तब से इनकी फिल्में देखता आया हूँ और इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो मैं आप यहाँ आने के बाद अंजनी तिवारी जी, ब्रजभूषण जी, कुणाल जी, विजय खड़े जी, यही तो हमारे लिए गॉडफादर थे। ये लोग ही थे जिनके सानिध्य में मुझे काम करना था और जिनसे मैं आकर के मिल सकता था। तो मैं आके इनके घर पर भी गया था माहिम में, और ये मैं 1994 की बात है जब मैं इनके घर पे गया था, वहाँ पर भी मुलाकात हुई थी। और सबके साथ मैं मिलता रहा हूँ, ऑफ़ कोर्स इन्होंने मुझे आज ब्रेक दिया है। तो मैं इस नहीं, ये मुझे काम करने का जो ब्रेक मिला है, फिल्मों वाला ब्रेक, ये इसको मैं पूरी अच्छी तरह से भुनाऊंगा, क्योंकि इस ब्रेक के लिए मैं 20-22 साल तरसा हूँ कि मैं ब्रज भैया के साथ कब काम करूंगा। ये सच्चाई है, ईमानदारी की बात है। जब भी इनकी फिल्में मैं कंप्लीट सिनेमा या कहीं पर भी मैं देखता हूँ, तो मुझे देख करके हाय अच्छी, मैं कब करूँगा इनके साथ काम। सो मेरी
तो ये कसक अब पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इन साल पर, नए साल पर आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, तरक्की करें, आप भी खुश रहिए, अपने पड़ोसियों को खुश रखिए, घर परिवार को खुश रखिए, माँ बहनों को खुश रखिए। और बेपरवाह, आप कितना बेपरवाह हैं लाइफ में? मैं बिल्कुल बेपरवाह नहीं हूँ लाइफ में। लाइफ में ये फिल्म का नाम बेपरवाह है, बेपरवाहों को ठीक करने के लिए, उनको परवाह पे लाने के लिए इस फिल्म का नाम बेपरवाह रखा गया है। आज मैं गाने की रिकॉर्डिंग पर आया था, गाना सुनकर इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अमित जी ने बहुत प्यारा गाया है, बहुत प्यार से गाया है इसको। और साथ में हम तो सर को पहली बार मिला हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हैं सर सिकंदर शाह जी, बहुत अच्छा ये बता रहे थे उनको, आप जरा ये वाला ये लाइन ऐसे गा दीजिए, और वो गा रहे थे तो मज़ा आ रहा था सुनकर। और मेरे लिए आज दुगुना खुशी है, आज ये टी शर्ट ये टी शर्ट और एक शर्ट लता मंगेशकर जी ने मुझे भेजा है, आज ही पहना हूँ, पहला दिन है इसका। और आज यहाँ मैं गाने की रिकॉर्डिंग पर आया हूँ, यहाँ भी माँ सरस्वती, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कोई मैसेज भी उन्होंने भेजा है लता जी? उनसे मेरी मतलब फ़ोन पर बहुत देर तक बात हुई है, मैंने उनको टी शर्ट पहनते हुए, उनका रैप खोलते हुए, उनका साइन किया हुआ, वो सब वीडियो बना करके, फिर पूरे कपड़े पहन के, एक शर्ट भी भेजा उन्होंने, उसको भी पहना हूँ, वीडियो बनाकर उनको भेजा है मैंने। क्या खास वजह थी कि उन्होंने आपको टी शर्ट और शर्ट भेजा है? न्यू ईयर पर वो CID सीरियल, एक्चुअल CID के बहुत बड़ी फ़ैन है वो, और गुटरगुन सीरियल के, तो वो बहुत प्यार करती हैं हम लोगों को, मुझे, दया सर, साटम साहब जो CID के टीम है, और गुटरगुन के टीम को वो बहुत प्यार करती हैं। और हम लोगों को वो हमेशा उनका बर्थडे होता है तो बुलाती हैं, उनके घर पर हम लोग खाना खाने जाते हैं, गणपति जी में बुलाती हैं, वो साक्षात सचमुच देवी हैं, माता हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग कैसी, कब थी आपकी लता जी के साथ फर्स्ट मीटिंग? उनके साथ अभी से 5-6 साल पहले उनके घर पे बर्थडे मनाया गया था। जब मेरी इंट्री हुई थी CID में, तो मुझे बताया गया कि आपको भी दीदी ने बुलाया है, तो मैं गया, तो मैं उनको देखते रह गया था, दीदी को देख रहा था। तो वो आई और वहाँ क्यों हो, तो मैं ऐसा खड़ा था, तो दया सर आए, बोले दीदी बुला रही है सर, दीदी बुला रही है। मैं बोला हाँ दीदी, आप इधर आओ, इधर आइए, यहाँ बैठिए। ओ पूछिए मत दीदी का, आह बहुत अच्छी हैं दीदी, बहुत प्यार से अपने हाथों से, जब उनके घर पे जाते हैं, जो भी होता है ड्राई फ्रूट से खाने का, वो कुछ भी, ये खाओ, ये बहुत अच्छा है, ये बोला अच्छा, ये भी खा के देखो, जरा टेस्ट तो करो। तो उनके साथ इस तरह की मीटिंग होती है उनके घर। नया साल आपने कैसे सेलिब्रेट किया? नए साल पर हर साल मैं बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ, इंजॉय करता था, मतलब इंजॉय मीन्स प्रोग्राम करता था, जहाँ से कुछ पैसे भी आ जाते थे। इस साल पर आज ही पैसे आने वाला काम कर रहा हूँ। कल मैं अपने परिवार के साथ था, वाइफ और बच्चों के साथ, तो घर पे ही खाना पीना बना, और थोड़ा सा हम बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, कि बाहर थोड़ी भीड़ होती है, पब्लिक होती है, पब्लिक का प्यार मुझे इतना मिलता है कि मुझे कभी कभी तकलीफ मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं लोग इसलिए और मुझे तो आदत है, इनका प्यार मुझे कबूल है, लेकिन मेरी वाइफ कई बार नाराज़ हो जाती हैं, ये क्या है, वो क्या है, आप क्यों मुस्कुराते हो लोग, आप क्यों साइन देते हो, फ़ोटो क्यों खिंचवाते हो, लेकिन ये तो मेरा जॉब है, तो मुझे वो फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। तो कल मैं बाहर नहीं निकला, घर पर ही था, और साल अच्छा जा रहा है, ये साल की शुरुआत आज बताइए, एक बढ़िया सा बेपरवाह मुहूर्त पर हम आ गए हैं, सबको परवाह में लाने के लिए। और आप बताइए, ये जो हैं, ये कैमरा इनके तरफ घुमाइए, ये किस हीरोइन को रिप्लेस करने वाली हैं, ये हर आए दिन है ना। ये हैप्पी न्यू ईयर 2018, और
सर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं बेपरवाह, कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में? बेपरवाह कहानी अच्छी लगी इसलिए बनाने को दिल कर दिया। कहते हैं कोई भी चीज़ अगर अच्छा लगे तो उसको करना चाहिए, तो हम ये चीज़ सोचे कि ये चीज़ करी डाली जाए तो अच्छा है। और ये हम फरवरी में शूट करेंगे और ऊपर वाले चाहेंगे तो ईद या बकरा ईद तक हम रिलीज भी करेंगे। आपकी जो फिल्म के डायरेक्टर है ब्रज भूषण जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और हम पहले से इनको जानते थे लेकिन मिले नहीं थे, और जब मिले तो हम एक काम लेके इनके साथ मिले कि ये काम सर किया जाए। फिल्म में और कौन कौन से स्टार कास्ट है जी? अभी तो फिलहाल में अब किसका किसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल में अकरम भट्ट और अंशु द्विवेदी जी का नाम मुझे फिलहाल में याद है तो बता दिए हैं, और अब जो भी हैं देखा जाएगा, अब दो तीन दिन में सब पूरा फाइनल करके फिर हम बताएंगे। उनसे पूछिए मुख्तार जी। मैं सबसे पहले नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको, और फिल्म का मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बेपरवाह है सब लोगों को एक मैसेज मिले, जो लोग बेपरवाह है वो सुधर जाएँ। और कहानी बहुत अच्छी है, हमारे इसमें स्टार कास्ट हैं अकरम भट्ट जी हैं, अंशु द्विवेदी जी हैं, तिरसा खान हैं और हारून पठान जी हमारे हैं, तो इसमें किरदार निभा रहे हैं। और इसमें जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उसमें हम मार्केट के लेंगे, और ये जो अभी तो आपने देखा है के स्वामी जी को, तो ये कहानी बहुत अच्छी है। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सिकंदर शाह जी, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अच्छा कितने गाने हैं फिल्म में? फिल्म में 6 गाने हैं, टोटल 6 गाने हैं जो इनकी म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे हैं हमारे सिकंदर शाह जी, बहुत अच्छे हैं। और हमारे विजुअल डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कई फिल्में की है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सारे मीडिया वाले और बेपरवाह की पूरी टीम को, जितने लोग हैं सब किसी को हैप्पी न्यू ईयर। और काफ़ी मुझे टाइटल बड़ा अच्छा लगा बेपरवाह, और उम्मीद है सर पूरे एकदम बेपरवाह से नए साल में ढेर सारी फिल्में करते रहेंगे। और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है आज़ाद मुख्तार खान जी, वो भी एकदम मस्त इस फिल्म को बनाएंगे, काफ़ी अच्छे से मेकिंग हो। अंशुल को एकदम ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े, काफ़ी अच्छा पोस्टर दो लुक में दिख रही है, एक में चश्मिस और एक एकदम हॉट से एकदम जिंदाबाद करते हुए, तो एकदम अच्छी फिल्म बने सर, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करें। और भाई को मैं जानता नहीं सर आपका नाम, अकरम भट्ट जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छी फिल्म बने, खूब अच्छा एक्ट करें और एकदम बेपरवाह तरीके से फिल्म को रिलीज़ करें, एकदम डंका बजा दें सर इस बार। और सबसे बड़ी बात, हर बार की तरह सर ने फिर नए चोरों को मौका दिया, मैं भी इनके साथ फर्स्ट सोलो एज अ न्यू कमर ही लॉन्च हुआ था, और काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, इन लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग खूब काम कीजिए। पीछे हमारे विजयनी के प्रोड्यूसर जीवन जी बैठे हुए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ जल्द वो भी अपनी अगली फिल्म का मुहूर्त करेंगे। 15 को है ना? 15 को, 15 को लीजिए, अब आप लोगों के लिए फिर से ढेर सारा वेलकम। और फिल्म का नाम है हलवा। अभी मैंने इनके साथ, अभी मैंने इनके प्रोडक्शन में विजयनी किया है, मैं और गुंजन कपूर जी, काफी अच्छा सब्जेक्ट था, सर ने थोड़ा अलग ही काम मुझसे कराया उसमें, काफी एग्रेसिव टाइप का, मतलब देख के आप लोग गाली दोगे मुझे कि आदित्य जी ऐसा ही काम कर सकते हैं, तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है। और हलवाहा के लिए भी सर ढेर सारी शुभकामनाएं, 15 को मिलते हैं हम लोग यहीं पे। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम बिट्टू साजिद खान है और मैं राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी हूँ, और बहुत खुशी की बात है आज मैं आया हूँ। हमारे जो मित्र हैं, दोस्त आजाद मुख्तार खान साहब, अकरम भट्ट जी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आके, क्योंकि ये अभी न्यू कमर सब प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं पिक्चर, तो बहुत खुशी की बात है। तो इन लोगों ने इन्वाइट किए थे कि सर आपको आना है, तो मैं भी भाई आया कि चलो हौसला तो बढ़ाना है, तो इसके लिए, तो ये बेपरवाह जो पिक्चर आ रही है इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ कि भाई आगे तरक्की करे।